नमस्कार, स्वागत आप सभी का। आप देख रहे हैं आरंभ है प्रचंड और मैं हूं आपके साथ तुषार कौशिक। योगी सरकार यूपी को डेटा सेंटर हब बनाने की तैयारी में है और योगी कैबिनेट ने उत्तर प्रदेश डेटा सेंटर नीति को मंजूरी दे दी है, जिसके बाद अब राज्य में 250 मेगावाट क्षमता का डेटा सेंटर उद्योग विकसित करने का लक्ष्य तय किया गया है। इसके लिए 20,000 करोड़ रुपए के निवेश से प्रदेश में निजी क्षेत्र में कम से कम 3 आधुनिक डेटा सेंटर पार्क और 10 डेटा सेंटर इकाइयां स्थापित करने का लक्ष्य है। डाटा सेंटर हब बनने की राह पर यूपी, योगी सरकार विकसित करेगी डाटा सेंटर उद्योग। ग्रेटर नोएडा में बनेगा सबसे बड़ा डाटा सेंटर। 20,000 करोड़ के निवेश से 3 डाटा सेंटर बनेंगे। डाटा सेंटर बनने से हजारों लोगों को मिलेगा रोजगार। सीएम योगी की अगुवाई में यूपी विकास की नई कहानियां गढ़ रहा है। विकास के पथ पर प्रदेश तेज रफ्तार से दौड़ रहा है। इसी कड़ी में अब योगी सरकार यूपी में डाटा सेंटर उद्योग बनाने के लक्ष्य पर आगे बढ़ रही है। यूपी कैबिनेट के बैठक में डाटा सेंटर नीति 2021 को मंजूरी दे दी गई है, जिसके बाद राज्य में 250 मेगावाट क्षमता का डाटा सेंटर उद्योग विकसित करने का लक्ष्य तय किया गया है। इसके लिए 20,000 करोड़ रुपए के निवेश से प्रदेश में निजी क्षेत्र में कम से कम 3 अत्याधुनिक डाटा सेंटर पार्क और 10 डाटा सेंटर इकाइयां स्थापित की जाएंगी। इसके तहत ये सुविधा देगी योगी सरकार। मध्य यूपी और पश्चिम यूपी में डाटा सेंटर लगाने पर जमीन पर 25% और बुंदेलखंड व पूर्वांचल में 50% लैंड सब्सिडी मिलेगी। ये कुल परियोजना का लागत का अधिकतम 7.5% या 75% में जो भी कम होगा मान्य होगा। यह सुविधा पहले आने वाली 3 डाटा पार्क को ही मिलेगी। इलेक्ट्रिसिटी ड्यूटी में 100% की छूट 10 साल तक मिलेगी। जमीन खरीदने पर स्टाम्प शुल्क में 100% छूट मिलेगी। पहले 3 डाटा सेंटर पार्क को डबल ग्रिड लाइन से बिजली आपूर्ति की जाएगी। इसमें दूसरे ग्रिड की लागत ऊर्जा विभाग वहन करेगा। राज्य से बाहर बिजली आयात पर 5 साल तक ट्रांसमिशन शुल्क में 100% की छूट मिलेगी। डाटा सेंटर जमीन और भवन की लागत छोड़कर जितना निवेश करेंगी उस पर कैपिटल सब्सिडी के रूप में अधिकतम 20 करोड़ मिलेंगे। एक मंजिल में फर्श से छत की ऊंचाई पर कोई प्रतिबंध नहीं होगा। उत्तर प्रदेश में योगी सरकार ने 250 मेगावाट के डाटा सेंटर स्थापना का लक्ष्य रखा है, जिसमें कहीं न कहीं 20,000 करोड़ का निवेश होगा। 3 डाटा सेंटर पार्क वहीं 10 डाटा सेंटर इकाइयां स्थापित होंगी, जिससे सूचना प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में उत्तर प्रदेश में करीब 4,000 प्रत्यक्ष और 25,000 तक अप्रत्यक्ष युवाओं को रोजगार मिलेगा। वहीं गूगल, माइक्रोसॉफ्ट, IBM जैसी कंपनियों की उत्तर प्रदेश में निवेश की संभावना भी बढ़ेगी। तो योगी सरकार का प्रयास सूचना प्रौद्योगिकी क्षेत्र में उत्तर प्रदेश को आत्मनिर्भर करने का है। जहां उत्तर प्रदेश में डाटा सेंटर स्थापित करने से उत्तर प्रदेश के डाटा सिक्योर होगा, वहीं बड़े पैमाने पर रोजगार भी मिलेगा। बताया जा रहा है डाटा सेंटर नीति की मंजूरी के बाद सिंगापुर की ST टेलीमीडिया ग्लोबल डाटा सेंटर ने नोएडा जिले में एक ग्रीन फील्ड डाटा सेंटर कैंपस बनाने का प्रस्ताव दिया है, जिसे वो ग्रेटर नोएडा में विकसित करना चाहती है। इस डाटा सेंटर के बनने से यूपी को बड़ा लाभ मिलेगा। सेंटर विकसित होने से डाटा सेंटर से फायदा। डाटा सेंटर बनने से 2,000 से ज्यादा लोगों को रोजगार मिलेगा। डाटा सेंटर कैंपस बनने से उद्योग या IT कंपनियों को फायदा होगा और वे स्टोरेज की सुविधा ले सकेंगे। डाटा सेंटर बनने से आसपास के इलाकों में विकास होगा। स्थानीय लोगों को भी अलग अलग माध्यम से रोजगार मिलेगा। व्यापार, स्वास्थ्य सेवा, यात्रा, पर्यटन के डाटा को सुरक्षित किया जा सकेगा। अब यूपी डाटा स्टोरेज की दिशा में आत्मनिर्भर बनने की ओर आगे बढ़ रहा है। इन डाटा सेंटरों के बनने से एक ओर हजारों लोगों को रोजगार मिलेगा, तो वहीं करोड़ों उपभोक्ताओं के डाटा को सुरक्षित भी रखा जा सकेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 1 इंडिया।
तो यूपी के प्रशासनिक ढांचे को चुस्त दुरुस्त बनाने और फिजूल खर्ची रोकने के मकसद से पूर्व मुख्य सचिव राजीव कुमार की अध्यक्षता में गठित समिति ने सीएम योगी आदित्यनाथ को एक रिपोर्ट सौंप दी है। इस रिपोर्ट में कई अहम सिफारिशें की गई हैं। समिति ने विभागों का पुनर्गठन कर 95 से 54 करने और अनुपयोगी पदों को खत्म करने या कम करने का सुझाव दिए। यूपी में बड़े प्रशासनिक सुधार की तैयारी, प्रशासनिक ढांचे को चुस्त दुरुस्त बनाएगी सरकार, विभागों के फिजूल खर्ची रोकने पर जोर, अनुपयोगी पदों को खत्म किया जाएगा। यूपी के प्रशासनिक ढांचे को दुरुस्त करने के लिए योगी सरकार जल्द बड़ा कदम उठाने की तैयारी में है। खबर है कि यूपी में विभागों का पुनर्गठन किया जा सकता है, साथ ही योगी सरकार विभागों के फिजूल खर्ची रोकने के लिए भी खाका तैयार कर रही है। पूर्व मुख्य सचिव और रेरा अध्यक्ष राजीव कुमार की अध्यक्षता में गठित कमेटी ने सूबे में प्रशासनिक सुधार और फिजूल खर्ची रोकने का पूरा खाका सीएम योगी को सौंप दिया है, जिसमें कई अहम सिफारिशें की गई हैं। कमेटी ने सिफारिश की है कि विभागों का पुनर्गठन कर 95 से 94 किया जाए। कमेटी ने 26 विभागों का समायोजन, 26 विभागों को यथावत बनाए रखने और 2 के क्षेत्र में बदलाव की सिफारिश की है। न्यूनतम छात्र संख्या न होने पर 10,000 से अधिक परिषदीय प्राथमिक विद्यालय को बंद करने और अनुपयोगी पदों को खत्म या कम करने के सुझाव दिए हैं। घाटे वाले निगमों और उपक्रमों के बारे में भी जल्द निर्णय लेने की भी सलाह दी गई है। उपयोगी न होने से सिंचाई विभाग के 10,000 पद खत्म करने, जल निगम में चतुर्थ श्रेणी के 6,000 व व्यापार कर विभाग के 2,500 कर्मिकों को दूसरे विभाग में ट्रांसफर करने की सिफारिश की गई है। बदले परिवेश में भूमि अध्याप्ति विभाग की जरूरत नहीं रह गई है। इस विभाग के विभिन्न श्रेणी के पदों को अन्य विभागों में स्थानांतरित करने को कहा गया है। राजस्व, सिंचाई और व्यापार कर विभाग में संग्रह अमीनों और सिंचाई विभाग में नलकूप संचालन के पदों की उपयोगिता नगण्य होने से पदों को कम करने पर विचार करने को भी कहा गया है। बेसिक शिक्षा विभाग में अनुकंपा पर चतुर्थ श्रेणी कर्मियों को रखने का रिव्यू करने के साथ ही नियुक्ति पाने वाले 12,000 कर्मचारियों को दूसरे विभाग में ट्रांसफर करने की सिफारिश की गयी। यूपी के प्रशासनिक ढांचे को चुस्त दुरुस्त बनाने के साथ ही फिजूल खर्ची रोकने और प्रशासनिक ढांचे की कार्य दक्षता बढ़ाने के लिए बनाई गई समिति ने सीएम योगी को सौंपी अपनी रिपोर्ट। सीएम योगी को सौंपी गई रिपोर्ट में समिति ने की कई अहम सिफारिशें। पूर्व मुख्य सचिव व रेरा अध्यक्ष राजीव कुमार की अध्यक्षता में बनाई गई समिति ने की कई महत्वपूर्ण सिफारिशें। उत्तर प्रदेश में कई अहम विभागों की संख्या घटाने के साथ ही अनुपयोगी विभागों की संख्या कम करने और साथ ही साथ अनुपयोगी पदों को कम करने का समिति ने दिया सुझाव। साथ ही साथ घाटे में चल रहे उपक्रमों जैसे कि निगमों या अन्य संस्थानों को भी बंद करने का दिया सुझाव। कमेटी की इस सिफारिश के आधार पर योगी सरकार ने आगे का प्लान तैयार किया है। बताया जा रहा है कि अब शासन स्तर से समिति के सुझावों पर अपर मुख्य सचिवों, प्रमुख सचिवों और सचिवों की राय मांगी गई है, जिसके बाद सीएम योगी आदित्यनाथ प्रशासनिक सुधार को लेकर बड़ा फैसला ले सकते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ वन इंडिया। तो 2 दिवसीय गोरखपुर दौरे पर पहुंचे सीएम योगी आदित्यनाथ ने गरीब जरूरतमंदों को आवास का तोहफा दिया। सीएम योगी आदित्यनाथ ने 3,42,000 से ज्यादा पीएम आवास योजना शहरी के लाभार्थियों के खाते में करीब 2,409 करोड़ की दूसरी और तीसरी किस्त जारी कर दी है। इस दौरान सीएम ने लाभार्थियों से संवाद भी किया। गरीब जरूरतमंदों को सीएम योगी आदित्यनाथ की सौगात, आवास योजना के लाभार्थियों को जारी की किस्त। 3,42,000 लाभार्थियों को मिला योजना का लाभ। 2,409 करोड़ रुपए लाभार्थियों के खाते में ट्रांसफर। गरीबों के अपने घर का सपना होगा साकार। सीएम योगी आदित्यनाथ का सपना है कि यूपी में रहने वाले हर शख्स का अपना घर हो। इसके लिए वो पुरजोर कोशिश कर रही है और अब सीएम योगी आदित्यनाथ का यह सपना साकार होता भी नजर आ रहा है। पीएम आवास योजना ग्रामीण के लाभार्थियों को सौगात देने के बाद अब उन्होंने आवास योजना शहरी के लाभार्थियों को अपने घर का तोहफा दिया है। गोरखपुर के एनेक्सी भवन से
मुख्यमंत्री ने प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी के लाभार्थियों को ऑनलाइन दूसरी और तीसरी किस्त जारी की है। इस दौरान उन्होंने लाभार्थियों से संवाद भी किया। 40 लाख लोगों को मात्र 3 वर्ष के अंदर बड़े पैमाने पर प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ, इसमें किसी को सिफारिश नहीं करनी पड़ी, इसमें किसी को भी योजना का लाभ के लिए कहीं किसी को रिश्वत नहीं देनी पड़ी, किसी भी व्यक्ति को कहीं से भी इस योजना के बारे में कहीं इंतजार नहीं करना पड़ा। ईमानदारी के साथ चयन की एक प्रक्रिया और उस प्रक्रिया के अंदर हर एक लाभार्थी को इस योजना के साथ जोड़ने का कार्यक्रम बनाया गया और आज उसका परिणाम है कि आज एक साथ 3,42,000 से अधिक लाभार्थियों को पहली किस्त, जिसमें 1,24,781 लाभार्थी ऐसे हैं जिन्हें प्रथम किस्त जारी है प्रधानमंत्री आवास योजना की, यानी इतने लाभार्थी पहली बार इस आवास को प्राप्त कर रहे हैं। सीएम योगी आदित्यनाथ का दावा है कि यूपी में रोटी, कपड़ा और मकान देने का उनका वादा अब पूरा हो रहा है। सीएम योगी आदित्यनाथ की माने तो अधिकतर लोगों के अपने घर का सपना साकार हो चुका है और 2022 तक बचे हुए लोगों को भी आवास मिल जाएगा। देखिए, हम कभी नारा सुना करते थे रोटी, कपड़ा और मकान देने के वायदे आजादी के बाद से चलते रहे, लेकिन इन नारों को हकीकत में बदलने का कार्य अगर किसी ने किया, 2014 में प्रधानमंत्री मोदी जी के प्रधानमंत्री बनने के बाद ये सभी जो नारे थे ये हकीकत में बदलते हुए दिखाई दिए, आज उसी का परिणाम है कि हर व्यक्ति को मकान की गारंटी, हर व्यक्ति को आजीविका की गारंटी और हर व्यक्ति को रोटी की गारंटी आज केंद्र और प्रदेश सरकार मिलकर के दे रही है। इस कार्यक्रम के दौरान सीएम योगी आदित्यनाथ ने पिछली सरकारों को भी खूब खरी खोटी सुनाई। उन्होंने कहा कि पिछली सरकार में पीएम आवास योजना का लाभ गरीबों को नहीं मिलता था, लेकिन 2017 में बीजेपी सरकार बनने के बाद ये योजना यूपी में परवान चढ़ चुकी है। प्रधानमंत्री आवास योजना 2017 के पहले उत्तर प्रदेश का स्थान 26वें 27वें स्थान पे था। क्या कर रही थी सरकारें? योजना 17 के बाद चली, ऐसा नहीं, प्रदेश में सरकार में आने के पहले हम लोग जब 2017 में सत्ता में आए तो उस समय इस योजना का लाभ प्रदेश के लोगों को नहीं मिल रहा था। हम लोगों ने योजना का लाभ 2017 में आने के साथ प्रारंभ किया और प्रारंभ करने के साथ ही जब हम लोगों ने युद्ध स्तर पर कार्य किया तो प्रदेश के अंदर चाहे वह प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण हो या शहरी हो, इन दोनों योजनाओं में अब तक हम लोग प्रदेश के अंदर हम लोगों ने लगभग 40 लाख लोगों को अब तक हम प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में दे चुके हैं, जिसमें अब तक आप देख सके हैं 16,82,000 से अधिक लोगों को केवल नगरीय क्षेत्रों में हम इस आवास योजना का लाभ दे रहे हैं। सीएम योगी आदित्यनाथ ने कार्यक्रम में यह भी समझाया कि किसे और कैसे इस योजना का लाभ मिल सकता है। साथ ही उन्होंने दावा किया कि योजना में पूरी तरह से पारदर्शिता बरती जा रही है। मेरी अपील होगी सभी लाभार्थियों से और सभी नगर निकायों के जो भी हमारे नगर आयुक्तगण हैं, अधिशासी अधिकारीगण हैं, महापौर हैं, चेयरमैन हैं, माननीय विधायक हैं, माननीय सांसद हैं, जिले के हमारे अधिकारीगण हैं, जिलाधिकारी, मंडलायुक्तगण, इन सभी से मैं इस बारे में अपील करूंगा, ये जो धनराशि दी जा रही है, जिन्हें पहली किस्त दी जा रही है या जिन्हें दूसरी किस्त दी जा रही है, जिन्हें तीसरी किस्त दी जा रही है, हमारा प्रयास होना चाहिए कि जो पैसा जिस कार्य के लिए मिला है वो पैसा उसी पे खर्च हो। जिन्हें पहली किस्त मिल रही है उन लोगों के लिए हमारा प्रयास होना चाहिए कि समय से वहां पे राजमिस्त्री उन्हें उपलब्ध हो जाए, उन्हें मार्केट में
दाम जो भी बाजार से सीमेंट है, छड़ है, बालू है, ईंट है, इन्हें खरीदना पड़ता होगा। हमें नोडल अधिकारी तैनात करके व्यवस्था देनी चाहिए कि कोई भी इन्हें महंगे दाम पर न दे पाए। सीएम योगी आदित्यनाथ के अथक प्रयास से यूपी में गरीबों के अपने घर का सपना साकार हो गया है। ऐसे में सूबे के अंदर 40 लाख से ज्यादा लोगों को पीएम आवास योजना का लाभ मिल चुका है और बाकी बचे लोगों के घर का सपना भी 2022 तक पूरा करने का दावा है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज वन इंडिया। तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जनता से जुड़े विकास के कामों को अंजाम तक पहुंचाने की मुहिम तेज कर दी है। इसके तहत प्रशासनिक तेजी पर खास जोर दिया और अपनी सरकार के मंत्रियों की भूमिका की अहमियत अधिकारियों को बता दी है। अब विभागों के आला अधिकारियों को अपने मंत्रियों की सलाह और सहयोग से ही काम करना होगा। यूपी में तेज होगी विकास की रफ्तार, सीएम योगी देंगे योजनाओं को धार, अफसर करेंगे अब तेजी से काम, यूपी में विकास को देंगे नया आयाम। सही सुन रहे हैं आप, यूपी के मुखिया ने अफसरों को दो टुक कहा है कि विकास की योजनाओं को रफ्तार दिया जाए, किसी भी परियोजनाओं में हिला हवाली नहीं हो। साथ ही उन्होंने अफसरों को निर्देश दिया है कि अपने विभाग के मंत्रियों को सभी महत्वपूर्ण मामलों के बारे में जरूर बताएं और उनके सुझाव के और सलाह के आधार पर ही काम करें। मुख्यमंत्री के पास पहले से ही फीडबैक मिला हुआ है कि कई अधिकारी विभागीय मंत्रियों के निर्देश पर बहुत ध्यान नहीं देते हैं, जिसके बाद सीएम योगी ने अफसरों से साफ कहा है कि बिना अपने विभाग के मंत्रियों की सलाह के बगैर काम न करें। इसके अलावा सीएम योगी ने मंत्रियों को बड़ी जिम्मेदारी भी सौंपी है। उन्होंने मंत्रियों को निर्देश दिए हैं कि मंत्री अपने विभाग में हो रहे विकास कार्यों का निरीक्षण करें, प्रभारी मंत्रीगण अपने तय जिलों में नियमित भ्रमण करते रहें, अफसरों के कामकाज की जानकारी लेते रहें, अफसर और मंत्री अपने बीच तालमेल बढ़ाए, सभी मामलों में अधिकारियों को मंत्रियों के साथ पूरा तालमेल बढ़ाना होगा। मंत्री दिल्ली में अपने स्तर पर मंत्रालय से यूपी के लिए पैसा लाने की मुहिम शुरू करें। इस तरह मंत्री अब संबंधित योजनाओं के लिए केंद्रीय मंत्री से मिलेंगे। जनता से जुड़ी परियोजनाओं को तेजी के साथ पूरा करने की मुहिम योगी सरकार ने तेज कर दी है, जिसमें साफ है कि अब योगी सरकार ने अधिकारियों को निर्देशित किया है कि मंत्रियों के सहयोग और सलाह से काम करें ताकि जो परियोजनाएं अधूरी हैं उनको तेजी के साथ पूरा किया जाए और 2022 से पहले वो परियोजनाएं जो महत्वाकांक्षी हैं और उत्तर प्रदेश में पेंडिंग हैं उनको तेजी के साथ पूरा किया जाए। इसके साथ ही सीएम योगी आदित्यनाथ ने बजट को लेकर भी चर्चा की है और विभागों को निर्देश दिए हैं कि बजट के पैसे का समय से व सही से उपयोग किया जाए, आने वाले बजट के लिए पैसे की मांग के साथ उसकी कार्य योजना भी तैयार की जाए। आम बजट को देखते हुए विभाग अपने प्रस्ताव केंद्र को जल्द भेजे। कोई भी सरकारी नीति अथवा नई योजना शुरू करने में रोजगार को महत्व दिया जाए। 500 करोड़ रुपए से ज्यादा वाली योजनाओं पर खास फोकस रखें। सीएम योगी की कोशिश है कि विकास की परियोजनाओं को समय पर पूरा किया जाए, साथ ही रोजगार के मुद्दे पर भी सीएम योगी ऐसा खाका तैयार कर रहे हैं जिससे कि यूपी के युवाओं को रोजगार के लिए भटकना नहीं पड़े। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज वन इंडिया। तो आज के लिए आरंभ प्रचंड में बस इतना ही, आगे भी खबरों का सिलसिला जारी है, देखते रहिए न्यूज वन इंडिया। नमस्कार।